बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। साथ विजय जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि मखदूम सराय में जैसे आप इन करेंगे, इनका दरवाज़ा वहीं पे पड़ता है। विजय जी, क्या हाल है मखदूम सराय का? नर खेल कर हम लोग आते हैं और जाते हैं, और जो भी वार्ड पार्षद मेरे पुराने हैं, छोटे भाई हैं, कहने पे उनको ध्यान ही नहीं जाता है, बस बोलते हैं भैया करा देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम लोग अब तंग आ गए हैं सिस्टम से। तो अभी तो आपके यहाँ हमें लगता है कि शायद साल भर भी नहीं हुआ, वो आगे एक बड़ा नाला बना, तो उस नाले का क्या रोल था एक्चुअली? जो तो अभी भी लग रहा है, जो भी वर्क हो रहा है प्लान वे में नहीं हो रहा है, केवल खाना पूर्ति करके पैसा का लूटा जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि ये देखिए, ये जितने भी रोड बने हैं शहर में, बिल्कुल प्लान वे से काम नहीं होता है। अभी तक अगर पूरे आपको सिवान के सारे सड़क को, जो गली मोहल्ले के रोड हैं, उनको अगर एकत्रित करके उसके अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि वो राशि अरबों में चली जाएगी। और ये अगर एक प्लान वे के साथ काम किया गया रहता, एक तरीके से काम होता, तो शायद हमें नहीं लगता कि सिवान के कोई भी सड़क जल जमाव उस सड़क पे होता। यहाँ आज ये परंपरा बन गई है कि विजय जी के घर से लेकर के मंगल जी के घर तक, अब उसके बाद पानी कहाँ जाएगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद नाली एक फुट ऊपर, सड़क एक फुट नीचे, तो पानी तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम और आप हैं कि कूद करके चढ़ जाएंगे। तो इसी के वजह से विजय जी, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार जो 15 सालों से सिवानवासी झेल रहे हैं, इस बार मुख्य मुद्दा बनेगा? एकदम निश्चित रूप से बनेगा, और भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए ही सरकार ने नियम बदली है और जनता को अधिकार दी है कि आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षद को आप चुनिए, और तरीके से चुनिए। यहाँ तक कि वार्ड पार्षद इतना विभोर हो गया अपने कमाई के चक्कर में कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि सामने विद्यालय है और पीछे में नर्सिंग होम है, और वहीं नर को जमाव किया जाता है, उस पर कोई सोच विचार नहीं होता है। आज जिसका ज़मीन है वो लोग आपसी विवाद में, वो ज़मीन पड़ा हुआ है और उसको भगाड़ खाना बना दिया गया है। जो आदमी वहाँ रहता है उससे कभी आकर पूछा गया कि आप जीते कैसे हैं, हवा चलती है तो नर्क में आपको कैसे दूषित वातावरण में रहते हैं? वो तो अपने आराम में है, अपने व्यवस्था में। ये जो समस्या आप बता रहे हैं, इसको लेकर के आपने वार्ड कम से कम वार्ड पार्षद को तो बता ही सकते हैं। नहीं, वार्ड पार्षद से हमारे घर के आसपास 6-7 जन आए तो बोले भैया इस पर हम विचार करते हैं, लेकिन उनकी कौन सी विचार हो रही है कि एक समस्या को हम लोग जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि मेरी समस्या को सामने तक पहुँचाए, न कि जनता वहाँ तक पहुँचाए समस्या को। लेकिन आज बड़े बहुत सारे लोग जो पिछले बार बड़े बड़े पद संभाल चुके हैं, चेयरमैन के पद पे संभाल चुके हैं, और उनके रीजन में भ्रष्टाचार का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, FIR है उनके ऊपर, चार सीटेड हैं लोग, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो संविधान है कानून के तहत, वो फिर कह रहे हैं कि मैं जनता का एक बार फिर सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, जनता को तो खुद सूझबूझ होनी चाहिए कि किसको हमको वोट करना चाहिए। जनता को आप, जनता सूझबूझ वाली है। पिछले पंचायत चुनाव में 90% पूर्व मुखिया लोग घर चले गए, इस बार उससे ज़्यादा जाएंगे। जो अपने आप को बोल रहे हैं कि एक बार चाचा मौका दीजिए, भैया मौका दीजिए, भैया चाचा समझेंगे किसको मौका देना है। अंतिम कार्ड जात पात का भी होगा कि जात भाई आप हैं, अगर हम नहीं तो फिर किसको आप? जात पात तो लगाई है, लेकिन जात पात से हट कर इस बार चुनाव होगा। जात पात से हट कर जी, रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड तो टूटेगा, और कंफर्म देखिएगा रिजल्ट आएगा तो सबके मैंने होश उड़ जाएगी। आपका तो हमें लगता है कि मखदूम सराय ने एक तय कर लिया है अभी से कि भाई क्या करना है। हाँ, निश्चित रूप से तय कर लिया है कि हमको कहाँ रहना और किसके साथ रहना है। जो हमारे समाज के बारे में सोचता है, जात धर्म से हट के सोचता है, हम उसी के साथ रहेंगे
और इस बार सबको मौका देकर हम लोग देख लिए और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके बाद भी मौका मांग रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको मौका देंगे या तो हम पागल हैं नहीं तो जात धर्म पे बिक रहे हैं। तो अब आगे क्या सोचा है आपने? हमने तो एकदम नियत बना लिए हैं कि सिंपी गुप्ता को वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, ये इतना जो भीड़ था नॉमिनेशन में, जो भीड़ था, हमें तो लगता है कि इतना तो शायद किसी सांसद विधायक के नॉमिनेशन में भीड़ नहीं होता था। देखिए, इसका क्या राज है? देखिए, समाज सेविक ने नॉमिनेट किया और समाज के प्रति जागरूक रहा, वो जात धर्म से उठकर समाज सेवा कर रहा है। आज तक कोई सांसद, जब से मैंने होश संभाला है, इस तरह का पहल ना किया है ना करने की सोच रहा है। बस केवल ये सोच रहा है कि हमको लोकप्रियता बन जाए। लोकप्रियता नहीं बनता है इसे, उसके लिए जमीन पे उतरना पड़ता है। दुआ और बददुआ किसी को ना छोड़ा है ना छोड़ेगा। यदि हम दुआ करते हैं, आप अच्छे काम करेंगे तो आपको दुआ मिलेगी, बुरे करेंगे तो बददुआ से कितना भी शक्तिशाली हो जाए बददुआ मिलेगी तो नाश हो जाएगा मेरा। तो इस बार भ्रष्टाचारियों को बददुआ लगेगी आपकी? निश्चित रूप से लगेगी। अपने अंतर आत्मा से कोई पूछे कि दुआ का काम कौन कर रहा है, बददुआ का काम कौन कर रहा है, उसकी अंदर आत्मा में ईश्वर बसे हुए हैं और वो जान रहा है कि हम क्या किए हैं और कैसे किस मुंह से हम जाएं, और वो उसके बाद भी आ रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग अपना संस्कार में जो मिला हुआ है उसको निभा रहे हैं। कुल मिला के ये तस्वीर सामने आ रही है कि इस बार सिवान बदलाव के मूड में है। निश्चित रूप से बदलाव होगा, मूड में क्या होगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान, तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। पाथीभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथीभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। NX पावर इन्वर्टर, सोलर ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर।